ये लीनियर इक्वेशन का सवाल है, ये कैसे होगा इसको देखिए। यहाँ पर लिखा है x माइनस और ब्रैकेट लगा है 2x माइनस 10 इक्वल टू 14, ये लिखा है। जब भी इस तरह का सवाल होगा तो ये लीनियर इक्वेशन का होगा। यही सवाल क्वाड्रेटिक का जब बन जाएगा, जब यहाँ से माइनस हटा दो मल्टीप्लाई लगा दो या यहाँ से साइन ही हटा दो, ये क्वाड्रेटिक का बन जाएगा। क्योंकि x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक का मल्टी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ माइनस है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए कैसे होगा, ये x लिखा था लिख दिया, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है ना, तो माइनस प्लस माइनस और 2x लिखा था लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस 10 लिखा था लिख दिया इक्वल टू 14। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब x में से 2x गया, यानी कि यहाँ 1x है, x से पहले कुछ नहीं तो 1x है, 1x में से 2x गया, माइनस 1x बचा। 1 लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे छुपा हुआ था, लिख के नहीं दिखाया गया, ठीक है। x में से 2x, या 2x में से x जाता है 1, बस x बचता है, x में से भी 2x जाएगा तो x बचेगा, लेकिन माइनस का x बचेगा क्योंकि 2 बड़ा, उसका साइन माइनस का वो लग गया, ठीक है। प्लस 10 बराबर 14। अब इसको करेंगे कैसे, ये जो प्लस का 10 है ये उधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14 लिखा था, प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो गया, क्लियर है। इधर माइनस x लिखा रहा, ये जब इधर से उधर गया तो यहाँ से जगह छुप गई, ठीक है। अब देखिए 14 में से 10 गया, 4 बचा, 14 में से गया 4 बचा, माइनस एक्स बराबर 4। अब ये माइनस है उधर भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, क्लियर हो गई बात। इसी के बिना पे एक सवाल और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सवाल कैसे होगा, ये 15x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस छुपा होता है ना, 13x। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 10 लिखा था लिख दिया इक्वल टू एक्स माइनस 14, ठीक है, क्लियर हो गई बात। 15x में से 13x गया, 2x बचा, प्लस 10 बराबर एक्स माइनस 14, ये पूरा उतार लिया। 2x का भाई कौन है, x है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, इक्वल टू से इधर आएगा, तो ये 2x था, ये x उठ के इधर आया, यहाँ x का साइन क्या है, प्लस है, ये माइनस का साइन 14 का नंबर थे पहले, उसका साइन होता है, इसका साइन ये, इसका साइन ये, प्लस x उधर आएगा, माइनस x हो गया, ठीक है। अब ये 10 कहाँ चला जाएगा, ये प्लस का 10 है, ये नंबर 14 माइनस 14 का भाई है, तो ये प्लस का 10 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे लगा लिया, ये प्लस x उधर से उठ के इधर आ गया है, यहाँ पे जगह खाली हो गई, खाली जगह को कुछ नहीं करें, ये माइनस 14 पहले इधर खिसका के उतार लिए, ठीक है। प्लस 10 है, ये उधर जाएगा, माइनस 10 हो गया, ये मतलब दो स्टेप का काम एक ही स्टेप में कर लिया। अब अगले स्टेप में 2x में से 1x गया, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 2x में से 1x गया तो x बचा, 2 बड़ा है, इसका साइन प्लस है तो प्लस ही लगा रहा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस करेंगे, 14 10 24, लेकिन साइन माइनस लगेगा, जब माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस ही का लगता है, प्लस करने के बाद माइनस ही का साइन लगता है, ये आंसर आ गया, क्लियर है। इस तरह से अब ये सवाल है, ये कैसे होगा, एक्स बाई 2 है, जब भी याद रखिए अपॉन में 2 है, इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बराबर 2 इंटू 4, 2 4 दा 8, ख़त्म, ठीक। और जब इस तरह का सवाल है, पहले भाई भाई एक तरफ करेंगे, नंबर इसका भाई है, ठीक है, 5 ये माइनस 3 है, उधर जाएगा प्लस 3 हो गया, इधर 8 हो गया ना, इधर बचा एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, फिर ये सवाल देखिए इसकी तरह हो गया, ऊपर वाली तरह, यानी कि 2 इधर जाएगा प्लस मल्टीप्लाई, एक्स बराबर 2 8 16, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर होगी, समझ में आए सारे सवाल, क्लियर है। इससे पहले भी बताए हैं सारी वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।